कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है एक न एक दिन बदलता जरूर है। आपका भी वक्त बदलेगा, मेहनत करेंगे तो जो आपका वक्त चल रहा है जैसा भी चल रहा है एक उसमें भी एक साइनिंग आएगी। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चलेगा निश्चित समाकलन। हम आपको 2-3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं समाकलन के टॉपिक में, पढ़ा आपने समाकलन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, उसके बाद खंड से समाकलन। अब आपका टॉपिक चलने वाला है क्या, निश्चित समाकलन। माना समाकलन fx dx बराबर कैपिटल fx, तब समाकलन fx dx लोअर लिमिट a अपर लिमिट b बराबर कैपिटल fx लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b fx dx बराबर fb माइनस fa, जहां x चर का समाकलन मान है। तथा अंतराल a कॉमा b में a निम्न सीमा तथा बी उच्च सीमा है। ए निम्न सीमा तथा बी उच्च सीमा है। निश्चित समाकलन पर अचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको दिखाना चाहे इसके लिए भी कि जैसे आपने समाकलन किया x का ही किया x dx, तो इसका समाकलन करने पर क्या प्राप्त होता है ये तो आप जान चुके हैं, x² / 2 + c ये प्राप्त होता है x² / 2 + c। अब इसी को इस तरीके से लिख दें कि लोअर लिमिट a अपर लिमिट b x dx, तो क्या हो जाएगा x² / 2 + c लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। अब x चर था तो x के पदों में रखेंगे तो b² / 2 + c माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो a² / 2 + c, तो कितना आएगा b² / 2 - a² / 2 - c, c से c कट जाएगा और ये आ गया b² - a² / 2। तो जो c कांस्टेंट था वो बिल्कुल समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, अर्थात निश्चित समाकलन पर अचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और a है वो उसकी क्या है निम्न सीमा, जो b है वो उसकी क्या है
उच्च सीमा है। आइए देखते हैं, एक्सरसाइज को देखते हैं, उसके बाद एक एक्सरसाइज पूरी होने के बाद तब इसके गुणों से अवगत कराएंगे हम आपको आगे चलकर। आइए देखते हैं एक्सरसाइज। प्रश्नावली 13A। निम्न समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। निम्न समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। निम्न समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक x पर पावर 4 dx। आंसर माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक x पर पावर 4 dx। इसका समाकलन कितना हो जाएगा? x पावर 5/5, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। तो जो 1/5 है वो तो कांस्टेंट का काम कर रहा है, यहाँ पर अपर लिमिट लगा दी 2 पर पावर 5। माइनस, जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, तो माइनस 1 पर पावर 5। 1/5 32 - 1 कितना आ जाएगा? 31/5, और यही हो गया इसका मान। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दो के अंतर्गत है 1 से 4 dx/√x। आंसर माना आई बराबर 1 से लेकर 4 तक 1/√x dx, लिमिट 1 से लेकर 4 तक, और ये एक्स पे पावर ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। जब माइनस के हो गए तो x पावर 1/2 / 1/2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट कितनी? 4। ये 2 तो बाहर आ जाएंगे और ये बन गए √x, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4। लिमिट लागू करेंगे तो √4 - √1, 2 * 2 - 1, 2 * 1 बचा, उत्तर कितना आ गया? 2 आ गया टोटल। यहाँ ऐसा मत करना कि √4 - √1 घटा दिए और कह दो कि √3 बचे। ये इस तरीके की प्रोसेस तो होती नहीं है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट में आ चुके हैं, आपको समझना चाहिए इस प्रकार का। √4 का मान कितना होगा? 2 होगा। √1 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो 1 बचा अंदर, जब 1 बचा तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। कन्फर्म आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, e^(xy)3 dx। आंसर, तो इन्हें भी सॉल्व करना, केवल लिमिट बढ़ी हुई है, बाकी जो भी थे, बाकी प्रोसेस आपको पता है, वही रहेगी जैसी दी गई है। तो माना i बराबर
जीरो से लेकर तीन तक ई पे पावर एक्स बटे तीन डी एक्स, ई पे पावर एक्स का समाकलन ई पे पावर एक्स ही होता है और बटे में उसका क्या आ जाएगा अवकलन और आ जाएगा, या फिर आपको मानना पड़ेगा। चलिए बता देंगे अभी दोनों विधियों से आपको। तो ये तीन तो आ गए, आगे आगे आने के बाद क्या बचा, ई पे पावर एक्स बटे तीन, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट तीन, लिमिट लागू करेंगे तो क्या मिलेगा, ई पे पावर थ्री बाई थ्री माइनस ई पे पावर जीरो बाई थ्री, तो थ्री कोष्टक ई पे पावर वन माइनस ई पे पावर जीरो, थ्री कोष्टक ई माइनस वन, और ये रहा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर चार, पहचान में ना आ रहा हो तो ये है ई पे पावर एक्स बटे तीन। चलिए उसका सेकंड रूप भी बताते हैं किस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करते हैं। जीरो से तीन ई पे पावर एक्स बटे तीन डी एक्स, माना आई बराबर, तो माना एक्स बटे तीन बराबर टी, डी एक्स बराबर थ्री डी टी। जैसे ही आपने मान लिया, यहाँ परिवर्तन क्या होता है, जैसे ही आपने मान लिया तो लिमिट आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्यों, जो ये लिमिट है वो किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है, और मान चुके किसके पदों में, टी के पदों में, तो अब लिमिट हमारे पास किसकी होनी चाहिए, टी की लिमिट होनी चाहिए। तो टी की लिमिट एक्स की जगह अगर जीरो रख दें तो टी का मान कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अगर एक्स की जगह तीन रख दें तो तीन बटे तीन टी का मान कितना मिलेगा, एक मिलेगा, और ये आ गया ई पे पावर टी और थ्री डी टी, तीन आगे आगे ई पे पावर टी का समाकलन ई पे पावर टी होगा, लिमिट कितनी, जीरो से एक, तीन अपर लिमिट ई पे पावर वन माइनस ई पे पावर जीरो, तो थ्री कोष्टक ई माइनस वन, और ये रहा उसका आंसर। आप समझ गए होंगे, यहाँ टी के पदों में मानने के बाद अब तक जो प्रश्न सॉल्व करते थे उसमें ये देखते थे कि टी की जगह क्या रखा है, लेकिन यहाँ वापस जो जाने का चांस था वो ख़त्म हो चुका है। आप लिमिट को भी, फंक्शन को भी टी के पदों में चेंज कर चुके हैं और लिमिट को भी टी के पदों में चेंज कर चुके हैं। जब टी के पदों में लिमिट आ चुकी है तो केवल उसे अप्लाई करना है, न कि आपको वापस जाना पड़े। तो वापस जाने की अब आवश्यकता नहीं है, टी के पदों में लिमिट परिवर्तित हो चुकी है, तो वहीं से उसका मान रखना है बस। क्वेश्चन नंबर चार, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स, आंसर आई बराबर जीरो से पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, साइन एक्स, लिमिट लगा दी, लिमिट को लागू करेंगे तो साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो, साइन नब्बे की वैल्यू होगी वन, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, आंसर कितना आ गया, एक, एक रहा उसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, इंटीग्रेशन वन से टू डी एक्स अपॉन एक्स, उत्तर आई बराबर लिमिट एक से दो वन अपॉन एक्स डी एक्स। लिमिट को आप छोड़ दीजिए, आप ये मान के चलो कि हम लिमिट वाले सवाल ही नहीं कर रहे हैं, बिना लिमिट वाले सवालों को कर रहे हैं। जब बिना लिमिट वाले सवालों को जैसे करते हो वैसे कीजिए, वन अपॉन एक्स का क्या होता है समाकलन, वन अपॉन एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स, लिमिट कितनी है एक से दो, अपर लिमिट लागू होगी तो लॉग टू माइनस के लॉग वन, लॉग वन का मान कितना होता है शून्य, तो लॉग टू माइनस शून्य, आंसर आ गया आपके पास लॉग टू।
उत्तर। आगे के प्रश्न देखिएगा आप भाग दो में, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।